नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ट्रेनों का परिचालन बहाल करने केंद्र का दबाव, नेता विपक्ष के निवास के सामने कांग्रेसियों का मौन धरना। नौतपा में दूसरे दिन भी नहीं रही तपिश, आंधी बारिश का क्रम रहेगा जारी। डाउनलाइन की जांच के लिए 130 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे ने झोंकी ताकत। और निकासी रोकने से देवनंदन नगर में छाया संकट, निजी भूमि में जमा हो रहा पानी। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। बंद ट्रेनों के परिचालन की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के निवास के सामने मौन धरना प्रदर्शन किया। तेज आंधी तूफान और बारिश के बाद भी कांग्रेस प्रदर्शन में डटे रहे। कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से ट्रेनों की आवाजाही ठप है। कोरोना की आड़ लेकर रेलवे ने कई छोटे स्टेशनों में ट्रेनों के ठहराव को बंद कर दिया है, जिसके चलते यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के निवास के सामने बेजुबान धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, विजय केसरवानी, राजेंद्र शुक्ला, विजय वर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान आंधी तूफान और तेज बारिश शुरू हो गई, मगर कांग्रेसी मांग को लेकर अड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और बहुत पावरफुल व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के धरमलाल जी कौशिक हैं, उनसे हम वो इस क्षेत्र की जनता परेशान है। आखिर मौन क्यों है, क्यों भारतीय जनता, क्यों क्षेत्र की जनता के आवाज वो केंद्र सरकार के पास नहीं उठा रहे हैं। अगर उनको नहीं उठा पा रहे हैं और उनका प्रभाव नहीं चल रहा है तो हमारे आंदोलन में आए। कांग्रेस पार्टी जो लगातार हर स्टेशनों पर जाकर क्षेत्र की जनता की मांग को लेकर जो आंदोलन कर रही है, हमारे साथ रेल लोको आंदोलन में हमारे सहभागी बने और सबसे पहला दायित्व उनकी क्षेत्र की जनता के प्रति होता है। बिल्हा रेलवे स्टेशन लगातार उपेक्षित है, ये केवल राज्य सरकार की आलोचना करने के लिए घूमते रहते हैं, जबकि राज्य सरकार सबको सब सुविधाएं मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बिल्हा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनों का संचालन रोका जा रहा है कोयले के कारण, यहाँ के यात्रियों को जो असुविधा हो रही है, उसके लिए धरमलाल कौशिक जी को, यहाँ के सांसद अरुण साव जी को और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सबको जाके मोदी से मांग करना चाहिए और यहाँ की क्षेत्र की जनता को सुविधा दिलाना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर मौन धरना जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ट्रेनों के ठहराव के लिए अड़े कांग्रेसियों की मांग रेल प्रशासन कब तक सुनेगा। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। पुलिस की भागम भाग भरी जिंदगी में उनकी नौकरी उन्हें इतना तनाव दे देती है कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को पुलिस के उच्च अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग से चर्चा कर सिविल लाइन थाने में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिन्हें मौजूद चिकित्सकों ने आवश्यक परामर्श के साथ उन्हें दवाइयां बांटी। सभी स्टाफ के बीपी, उनके शुगर चेक किए जा रहे हैं, कुछ के थोड़े से बढ़े हुए हैं तो उनको हिदायत दी जा रही है, उनको मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा है। कुछ पहले से ही इसके लिए अलर्ट हैं, वो दवाइयां ले रहे हैं, उनको भी प्रिकॉशंस और डाइट प्लान वगैरह बना के, डाइट चार्ट बना के दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि भविष्य में भी इसको नियमित रूप से रखा जाए। योगा वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, मेडिटेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने जीवन में इसको अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। मुंगेली जिले में क्रॉस वोटिंग के मामले में प्रदेश भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की है। भाजपा ने 5 पार्षदों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेसियों से साठ गांठ कर नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष को हटाने और पार्टी में अनुशासनहीनता के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह, पार्षद मोहित बंजारे, संतोषी मोना नागरे, सोनी जांगड़े और मोतिम बाई सोनकर को पार्टी से बाहर किया गया है। वहीं एक बीजेपी युवा नेता को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा के बहुमत और कब्जा वाले नगर पालिका में उपचुनाव में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने और
क्रॉस वोटिंग से जमकर बवाल मचा था। 25 मई बुधवार से नौतपा प्रारंभ हो गया है जो 2 जून तक रहेगा। नौतपा के दूसरे दिन गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह से तेज धूप के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। मगर कुछ ही देर बाद सूर्यदेव अपने पुराने तेवर में लौट आए। शाम 4 बजे के बाद मौसम ने एक बार फिर अंगड़ाई ली। इस तरह तेज हवाओं और झमाझम बारिश के साथ मौसम खुशगवार हो गया। भीषण गर्मी के बीच 25 मई से नौतपा शुरू हो गया है। तेज धूप और 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इधर गुरुवार की दोपहर मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश के झोंकों ने धरती को शांत किया। हालांकि उसके बाद फिर से सूर्य ने आंख तरेर ली थी, लेकिन शाम 4 बजे के बाद बदली छाने लगी और एक बार फिर बारिश होने लगी। मौसम वैज्ञानिक गीत शर्मा ने बताया कि लोकल वेदर सिस्टम के चलते कुछ जगहों में आंधी तूफान आने की संभावना है। अभी तो नौतपा का सीजन चल रहा है। नौतपा के सामान्यतः टेम्परेचर सामान्य से हाई रहता है और आगे भी ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन लोकल वेदर सिस्टम के कारण जो है ये कुछ कुछ जगह पे आंधी तूफान आने की भी संभावनाएं बनी रहेंगी, हल्का पानी गिरने की भी संभावनाएं बनी रह सकती। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नौतपा लगने के साथ ही बारिश के आसार बढ़ जाते हैं। आने वाले दिनों में भी प्रदेश में कुछ जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। सुबह से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को गुरुवार दोपहर बारिश ने राहत दी। राज्य के कई हिस्सों में बदली बारिश की खबर है, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। रेलवे परिक्षेत्र में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहां तेज हवाओं के चलते पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरती रहीं। इस दौरान बारिश और आंधी तूफान से बचने यात्रियों में भागम भाग मची रही। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल से बंद स्विमिंग पूल शुरू हो चुका है। इसके शुरू होने से तैराकी के शौकीन बच्चों से लेकर बड़ों में खुशी की लहर है। भीषण गर्मी के बीच रोजाना तरण पुष्कर में छपाक करने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और तैराकी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तेज धूप और गर्मी से परेशान लोग अब स्विमिंग पूल में जाकर मजा ले रहे हैं। सुबह शाम यहां आने वाले लोगों की खूब भीड़ देखी जा रही है। बच्चों से लेकर बड़े भी इसका मजा ले रहे हैं। 45 डिग्री की गर्मी से राहत पाने लोगों को यहां आते देखा जा रहा है। नियमित तैराकी की प्रैक्टिस करने वाले तो यहां आते ही हैं। शौकिया लोग भी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। नगर निगम के अधिकारी परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट हैं। 2.5-3 साल के बाद संजय तरुण माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से चालू किया गया है और बच्चों में अभी बहुत ज़्यादा उत्साह है, इसलिए और उनके टाइम भी कम है, इसलिए एक ही टाइम में रस हो जाता है। सुबह 3 घंटे बच्चों का, शाम को 2 घंटे। जीवन रक्षक हैं 6 और एक प्रशिक्षक है, महिलाएं 2 जीवन रक्षक हैं। हर पल यहां किसी भी अनहोनी से बचने लाइफ गार्ड दस्ता तैनात रहता है। निगम के अधिकारी भी इस भीड़ के दौरान चौकस रहते हैं। अब मौसम बदलने लगा है। नौतपा के साथ ही पानी बारिश शुरू हो गई है। निगम के स्विमिंग पूल में ये नज़ारा कुछ ही दिनों तक और रहेगा। उसके बाद यहाँ नियमित रूप से तैराकी की प्रैक्टिस करने वाले ही बच जाएंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल मंडल में रोजाना इन दिनों 240 मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसमें 220 गाड़ियां कोयले की हैं। एक माह में ही बिलासपुर मंडल ने 15 मिलियन टन कोयले की लोडिंग पूरी कर ली है। रेलवे को पिछले कुछ महीनों में रोजाना मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे लगातार अलग अलग जगहों पर स्थित बिजली संयंत्रों के लिए कोयला ढोने वाली ट्रेनों को अतिरिक्त रास्ता मिल सके। हाल ही में फिर से 24 जून तक बिलासपुर जोन ने 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे यात्रियों को जरूर दिक्कतें आ रही हैं, पर कोयले की लोडिंग बढ़ा दी गई है। बिलासपुर रेल मंडल से सबसे ज्यादा कोयले की लोडिंग की जाती है। यही वजह है कि इन दिनों यहां से चलने और गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द कर माल गाड़ियों का परिचालन बढ़ा दिया गया है, ताकि बिजली संकट को दूर किया जा सके। बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रविश कुमार ने बताया कि पिछले एक माह में चांपा से बिलासपुर के बीच ही
220 मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। वहीं सबसे ज्यादा कोयले की लोडिंग इसी मंडल से की जा रही है। अब तक एक माह में 15 मिलियन टन कोयले की लोडिंग परिवहन की गई है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इनके अलावा रेलवे की आय भी कोयले से बढ़ी है। रेलवे 100 किलोमीटर में एक टन कोयले के पीछे 285 रुपए, 125 के पीछे 525 रुपए और 225 किलोमीटर के पीछे 667 रुपए आय ले रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 मिलियन टन कोयले से रेलवे को कितना मुनाफा हुआ है। वही यह राशि सीधे भारत सरकार के खजाने में जमा हो रही है, जो बजट के माध्यम से मंडल और जोन को मिलती है। इसीलिए बिजली आपूर्ति जारी रखने, निरंतर सवारी गाड़ियों को रद्द कर माल गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। दुर्ग से झारसुगड़ा तक डाउन लाइन को परखने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई गई। हालांकि स्टेशन में रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी गई, पर जितनी स्पीड से ट्रेन जोनल स्टेशन से गुजरी, यात्रियों की नजर ठहर सी गई। दुर्ग से झारसुगड़ा के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। इसी सेक्शन में ट्रेनों की गति बढ़ाने की कवायद है। इसके लिए पिछले कुछ सालों से ट्रैक मरम्मत से लेकर संरक्षा से जुड़े कई कार्य हो रहे थे। अब यह काम पूरा हो गया है और इंजीनियरिंग विभाग ने रिपोर्ट सौंप कर यह कहा है कि सेक्शन में ट्रेनों को 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा सकती है। इसके लिए ट्रैक फिट है। हरी झंडी मिलते ही गुरुवार को डाउन लाइन का स्पीड ट्रायल किया गया। दुर्ग से बिलासपुर तक ट्रेन खूब रफ्तार से पहुंची। हालांकि स्टेशनों में रफ्तार धीमी कर दी जा रही थी, इसलिए जब जोनल स्टेशन से ट्रेन गुजरी तो उसकी रफ्तार लगभग 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अमूमन स्टेशन से 10 या 15 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलती है। यही वजह है कि जब लाइन नंबर 2 से ट्रेन गुजरी तो प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों की नजरें ट्रेन की तरफ टिकी रहीं। हालांकि यात्रियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, पर ट्रेन गुजरते समय मौजूद रेलवे के अधिकारी व कर्मचारियों की भीड़ को देखकर कुछ यात्री खुद को नहीं रोक पाए और पूछने पर उन्हें बताया गया कि यह स्पीड ट्रायल है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। टिकट काउंटर में यात्री और क्लर्क के बीच बहस अब आम बात हो गई है। गुरुवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर में एक युवक और टिकट क्लर्क के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद ये मामला आरपीएफ पोस्ट तक जा पहुंचा। बिलासपुर स्टेशन में जनरल टिकट के नाम पर टिकट क्लर्क से यात्री रोज उलझ रहे हैं। अब तो यह बात आम हो गई है। दरअसल जनरल टिकट काउंटर से नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज यात्री अपना गुस्सा टिकट क्लर्क के ऊपर ही उतार रहे हैं। रोजाना टिकट क्लर्क और यात्रियों के बीच बहस की घटना सामने आती है, लेकिन यह झंझट कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता। गुरुवार को भी ऐसा ही कुछ मामला बिलासपुर स्टेशन के टिकट काउंटर में देखने को मिला। दरअसल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के आने के समय एक यात्री जनरल टिकट लेने टिकट काउंटर पहुंचा, लेकिन टिकट क्लर्क ने उसे टिकट नहीं मिलने की बात कही और आगे टीटी से टिकट बनवा लेने की जानकारी दी। उधर टीटी ने भी टिकट बनाने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज यात्री टिकट काउंटर में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया बहस इतनी बढ़ गई कि टिकट काउंटर में बैठी महिलाओं के साथ भी युवक ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब हंगामे की खबर आरपीएफ को मिली तो तत्काल टिकट काउंटर में पहुंचकर आरपीएफ का जवान युवक को लेकर आरपीएफ पोस्ट पहुंच गया। यहां भी दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरपीएफ पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी ने युवक को समझाइश दी और उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर उसे समझा बुझा कर पोस्ट से छोड़ दिया। रोजाना यह घटना सामने आ रही है, जिससे टिकट काउंटर में बैठा स्टाफ परेशान हो रहा है। इधर महिला स्टाफ भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ट्रेनों के रद्द होने के कारण इन दिनों छोटे स्टेशनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को खूब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्री मजबूरन अपनी जेब ढीली कर एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। टिकट काउंटर में भी उन्हें एक्सप्रेस ट्रेनों के टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके चलते यात्री खासे परेशान हैं।
रोजाना यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ रही या फिर किसी अन्य साधन से उन्हें आना जाना करना पड़ रहा है। इन तमाम परेशानियों के चलते मुसाफिरों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ट्रेनों का परिचालन बहाल करने केंद्र का दबाव, नेता विपक्ष के निवास के सामने कांग्रेसियों का मौन धरना। नौतपा में दूसरे दिन भी नहीं रही तपिश, आंधी बारिश का क्रम रहेगा जारी। डाउनलाइन की जांच के लिए 130 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे ने झोंकी ताकत। और निकासी रोकने से देवनंदन नगर में छाया संकट, निजी भूमि में जमा हो रहा पानी। भूमि मालिक ने आसपास 100 से ज्यादा घरों की निकासी अवरुद्ध कर दी है। दरअसल इस खाली प्लाट से होकर लोगों के घरों से निस्तारी पानी देवनंदन नगर के एक खाली प्लाट में जमा होता है। अब मिट्टी डालकर निकासी रोक दी गई है। मामला सरकंडा के देवनंदन नगर फेस 1 और फेस 2 से जुड़ा है। कॉलोनी के करीब 100 मकानों से सीवरेज का पानी पीछे की तरफ निजी प्लाट में जमा होता है। इसमें एक मालिक ने अपनी जमीन को समतल करने मिट्टी से पाट दिया, जिससे गंदे जल की निकासी अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई परिवारों के सामने निकासी का संकट खड़ा हो गया है। इनका कहना है बारिश सिर पर है, 2 साल पुरानी समस्या का समाधान निकालने पार्षद फिर विधायक से निवेदन किया गया, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे। उनका ये भी कहना है कि निकासी के लिए पूर्व में जगह छोड़ी गई है। अभी सामने में देखा जा रहा है पूरा हमारे कॉलोनी के जो फेस 1 है और उधर फेस 2 है, तो उधर यहाँ का जो नाली है वो वहीं से मिलके गया है। अभी पीछे में शायद घर बन रहा है, वहाँ उसको ब्लॉकेज कर दिया गया है। इससे पूरा पानी जो है हमारा यहीं भर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ निदान हो और हमारे पार्षद महोदय और हमारे विधायक महोदय और ऊपर में जो अधिकारी कर्मचारी जो भी ऊपर में हैं वो आके इस समस्या का ध्यान देवें। एक दूसरा ये है कि इधर जो है हमारे कॉलोनी में इधर खंभा जो है वो नहीं लगा है बिजली का, और इस लाइन में जो लगा है वो अभी बहुत डेंजर स्थिति में है, तो वहाँ भी एक 2 लाइन कम से कम वहाँ डालना बहुत जरूरी है। बारिश में समस्या लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्या है, नाली का पानी पूरा भरने लगता है कॉलोनी में और उसके बाद पूरा काला पानी सबके घर में घुस रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो गंदा पानी है वो हमारे घर के अंदर भी आ जाता है और इसके कारण मच्छर है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। नाली की समस्या के लिए हमने पार्षद से भी बात किया, विधायक से भी बात करने की कोशिश की, पर इसका निदान नहीं हो पाया है। करीब 2 साल से हो गया इस समस्या से हम जूझ रहे हैं। देवनंदन नगर फेस 2 और फेस 1 में रहने वाले बहुत से परिवार पशुपेश में पड़ गए हैं। जन प्रतिनिधि से नाउम्मीद होकर निकासी दिलाने प्रभावित सड़क पर आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। पानी सब वहीं पी जाता है। क्या हो गया है तो वहाँ सब प्राइवेट जमीन वाले लोग लेकर उसको पाट दिए हैं, पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप लोगों ने इसके लिए कोई आवेदन तो दिए हैं, आयुक्त में दिए हैं, नगर निगम में दिए हैं और सबको दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। दायित्व तो उनका ये है, रोड नाली लाइट ये सब उनका दायित्व होता है, इसीलिए हम चुनते हैं ताकि वो हमारी समस्या का समाधान कर सके। लेकिन समस्या इतना अधिक है और कहने से भी नहीं होता है। नाली इतना भर जा रहा है, देखिए पूरा घर में घुस रहा है पानी, इतना बदबू आता है जिससे बीमारी का खतरा है। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट भी इसमें वैसे नहीं है, लाइट भी नहीं है, नाली भी नहीं है। और वहाँ पर ये अपने प्राइवेट जमीन दिए हैं, द्विवेदी जी जो है नाली निकाले हैं, वहाँ पर जा करके उधर वाले हैं, इनका कहना है कि शायद है उनका जमीन नाली के लिए, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, नाली का जो जहाँ पर से निकलता है पानी उसको बंद कर दिए जहाँ मकान बन रहा है। समस्या का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे, बिल्कुल जाएंगे हम लोग, सभी महिलाएं सभी जेंट्स पूरे लोग जाएंगे, कलेक्टर जाएंगे, रोड में खड़े हो जाएंगे, हम लोग धरना देंगे बिल्कुल। सरकंडा के और भी इलाके हैं जहां निकासी की समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। अव्यवस्थित बसाहट, बिना प्लानिंग के मकान का निर्माण कराना ऐसी समस्याओं को जन्म देता है। अब सवाल उठता है कि क्या निजी भूमि मालिक नाला निर्माण के लिए भूमि देगा या फिर सीमांकन कर नाला बनाने छोड़ी गई जमीन की तलाश की जाएगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जोन क्रमांक 1 सकरी के साई नगर में इन दिनों निजी रास्ते को ही कुछ लोगों द्वारा बंद किया जा रहा है, जिसका विरोध आसपास के रहवासी कर रहे हैं। जो मुख्य रास्ता था उसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने के उद्देश्य से मिट्टी डालकर पाट दिया गया है। दरअसल आकांक्षा पैलेस के सामने 15 साल पहले प्लाटिंग की गई थी, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों को 25 से 30 फीट का रास्ता दिया गया था।
अब इस कॉलोनी में लगभग 200 से ज्यादा परिवार निवासरत है, लेकिन पिछले दिनों से पैलेस के सामने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रास्ते में 5 से 6 हाईवा मिट्टी डाल दिया गया है, जिसके चलते ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। यहाँ के रहवासियों ने रास्ते को खोलने की मांग कलेक्टर, निगम आयुक्त, जोन कमिश्नर से की है, मगर अब तक उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 8-10 दिन पहले कुछ लोगों द्वारा रोड पे मिट्टी डाल के और तारवाड़ी करके बंद कर दिया गया है, जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी जनता हमारी परेशान है वहाँ कॉलोनी वासी। इस दुख को लेकर हम जोन आयुक्त और जोन कमिश्नर वगैरह, तहसील ऑफिस और कलेक्टर जगह सभी जगह ज्ञापन दे दिया, आवेदन दे दिए, निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तथा करके आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं आवेदन लेके, किसी तरीके से चीज़ उसको हटाया जाए और जो जांच का विषय है उसका जांच किया जाए, लेकिन तब तक हम लोग को राहत देने के लिए वो खोला जाए और जांच कराया जाए। खास यही चाह रहे हैं कि अपना जो भी मिट्टी विट्टी बीच में डला हुआ है उसको साइड करें, ताकि हम लोग को परेशानी ना हो, क्योंकि अभी बारिश आ जाएगी तो पूरा पानी भर जाता है। एक तो रोड में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे यहाँ निगम, क्योंकि टैक्स वैक्स तो सारे को ही हम लोग भर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि टैक्स निगम नहीं ले रही है ना। तो उसको क्या है, सारा रोड को भी हम बोल रहे हैं कि रोड भी हमारा बनाया जाए, पहली बात तो उसको मिट्टी को हटाया जाए। कभी भी कोई भी आके कब्जा कर लेगा ऐसे थोड़ी ना होता है, आप कोर्ट से जाके लड़िए। अंडरग्राउंड सीवरेज का काम 9 साल बाद भी अधूरा है। रपटा मार्ग में सीवरेज का पाइप बिछाने 2.5 महीने से काम चल रहा है, खत्म कब होगा ये किसी को पता नहीं है। चाटीडी आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। दरअसल सीवरेज का पाइप बिछाने बिलासा चौक और रपटा पुल के बीच सड़क खोद दी गई है। शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। 3 साल से ठंडा पड़ा ये काम इस साल 4 मार्च को फिर से शुरू किया गया था। जानकारी के अनुसार पचरी घाट की तरफ से बिलासा चौक होकर भूमिगत नाली जवाली पुल के पास पंपिंग स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इस बीच यहां छोटे बड़े दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है। खोदी गई सड़क से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बहुत दिनों से बंद पड़ा है काम, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई काम नहीं चल रहा है। सामने सीवरेज की खुदाई चल रही है, खुदाई करके छोड़ के चले गए हैं और काम को आधे में छोड़ के चले गए हैं। काम अभी बंद है, बहुत दिनों से काम बंद है सर। यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, और प्लस जो ठेला लगाए हैं उसको भगाते हैं, जाम हो जाता है यहाँ, तो ठेला वाले लोगों को तकलीफ देते हैं। इसको कुछ नहीं बोलते, जो खन के रखा हुआ है उसको कुछ नहीं बोलते। फिर 2 महीना हो गया तकलीफ हम लोगों को झेलते ठेला वाले को, और जो आशा प्रशासन है उसको निवेदन है कि जल्द से जल्द इसे काम पूरा कराए, ताकि पब्लिक को थोड़ा तकलीफ हो रहा है ठेला वाले को। खास गरीब आदमी है सर, कहाँ जाएंगे, और जब भी आता है पुलिस वाला भगा देता है, जाम हो रहा है, ऐसा है वैसा है। काम का ये पहला चरण है। फर्नीचर लाइन जवाली पुल के पास कनेक्टिविटी देने के लिए अगले माह बिलासा चौक में खुदाई होगी। जब तक जवाली पुल के पास नए पंपिंग स्टेशन से सीवरेज का पाइपलाइन जोड़ नहीं जाता, तब तक दिक्कत बनी रहेगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसौ टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर वासियों को राज्य सरकार हमर लैब की सुविधा देने जा रही है। इस लैब में विभिन्न प्रकार के खून जांच हाईटेक मशीनों से किए जाएंगे। जिला अस्पताल में बनने वाले हमर लैब के लिए 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। हालांकि इसमें लागत बढ़ने की संभावना है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया, रायपुर से आर्किटेक्ट ग्रुप आया था जिनके साथ लैब के ड्राइंग डिजाइन तय किए गए हैं। हमर लैब के बारे में रायपुर से जो एक आर्किटेक्ट वाली टीम आई हुई थी उसके बारे में भी अभी उनके आने के बाद में उन्होंने कहा था कि इसका एक हम प्राकलन और इसका एक डिज़ाइन बना के तत्काल आपको भेजेंगे। उस संबंध में भी अभी मैंने डॉक्टरों से चर्चा की है और उनकी रायपुर भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के अंदर हम आपको आर्किटेक्ट डिज़ाइंस जो है वहाँ से बना के भेजेंगे, उसको आप अप्रूव करके तत्काल भेजें। जगह जो है चिन्हांकित हो चुकी है और बहुत जल्दी एक अच्छी और शासन की मंशा के अनुसार अत्याधुनिक हाईटेक जो है पैथोलॉजी लैब हमर लैब के रूप में जिला चिकित्सालय में शुरू होगी। पुलिस मैदान में ग्रीष्मकालीन ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ी आगामी स्पर्धाओं के लिए टीम तैयार करेगी, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ताइक्वांडो के कोच ओम पुरी गोस्वामी बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।